हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार झारखंड एजुकेशन हब में। कैसे हैं सभी लोग? आई होप सो कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। सभी को झारखंडी जोहार, और आप सभी साथियों का एक बार फिर से आपके अपने परिवार झारखंड एजुकेशन हब में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, अगर आप झारखंड के किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो फिर आपको पता होगा कि झारखंड के एग्जाम्स में करेंट अफेयर्स का कितना इम्पोर्टेंस होता है और करेंट अफेयर्स की जो अलग भूमिका है वो देखने को मिलती है झारखंड के सभी एग्जाम्स में। चाहे हम लोग बात करें जेपीएससी की, जेएसएससी की, पीजीटी की, सहायक आचार्य की, अगर बात करें हम लोग झारखंड पुलिस की, तो सभी एग्जाम्स में एक अलग से भूमिका जो है वो देखने मिलती है झारखंड के करेंट अफेयर्स की। तो उन्हीं झारखंड के करेंट अफेयर्स के बारे में जानने के लिए, उन्हीं झारखंड के करेंट अफेयर्स के बारे में समझने के लिए हम लोग रोजाना सुबह 5 बजे इस क्लास में मिलते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से झारखंड के करेंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आइए आज के इस क्लास को भी शुरू करते हैं, देखते हैं झारखंड के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के बारे में। सबसे पहला करेंट अफेयर हमारा ये रहा कि देवघर जिले में म्यूजियम और 8 गैलरी का निर्माण जो है वो किया जाएगा। कहां पे? देवघर जिले में म्यूजियम और 8 गैलरी का निर्माण किया जाएगा। तो आप सभी को याद हो रहेगा कि कहां पे म्यूजियम और 8 गैलरी का निर्माण किया जाएगा। देवघर जिले में म्यूजियम और 8 गैलरी का निर्माण किया जाएगा। आइए इसके बारे में एक बार डिटेल में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ताकि बहुत सी चीजें हैं जो आपको पता चल सके और बहुत सी चीजें हैं जो आपको याद हो जाए। ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं ये रांची म्यूजियम की है, जिसे हम लोग राज्य संग्रहालय यानी स्टेट म्यूजियम के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो कई बार प्रश्न जो है वो इससे भी पूछ लिया जाता है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो कुछ इसी प्रकार का जो म्यूजियम है वो देवघर जिले में निर्माण किया जाएगा, और म्यूजियम के साथ साथ 8 गैलरी का निर्माण भी देवघर जिले में किया जाएगा। तो इसके बारे में आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, देवघर जिले के बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्टेट म्यूजियम के बारे में, यानी राज्य संग्रहालय के बारे में। कई बार एग्जाम में इसको रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। अगर हम लोग बात करें जेएसएससी की, तो जेएसएससी के द्वारा कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें स्टेट म्यूजियम जो कि रांची में है, तो पहला पॉइंट तो यही बनता है कि झारखंड राज्य संग्रहालय कहां पे है, झारखंड स्टेट म्यूजियम कहां पे है, रांची में है। पहला क्वेश्चन बन गया। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि झारखंड स्टेट म्यूजियम कहां पे है, रांची में है। दूसरा क्वेश्चन कि झारखंड स्टेट म्यूजियम की स्थापना कब की गई थी, तो झारखंड स्टेट म्यूजियम यानी झारखंड राज्य संग्रहालय की स्थापना 1974 में किया गया था। कब किया गया था? 1974 में, याद रहेगा सभी को, 1974 में। ठीक है, 1974 में जो है वो ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता था। कब? 1974 में, जब ये स्टेट म्यूजियम का निर्माण किया गया था उस समय इसे ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहते थे। क्या कहते थे? ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट से इसका नाम जो है वो स्टेट म्यूजियम कन्वर्ट किया गया, नाम को चेंज किया गया। कब चेंज किया गया? 10 सितंबर 2009 में। और इसको थोड़ा अच्छे तरीके से रिनोवेट किया गया, अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया, और उसके बाद 10 सितंबर 2009 को, उस समय हमारे उपराष्ट्रपति कौन थे? मोहम्मद हामिद अंसारी, उनके द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए क्या कि उपराष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी जी के द्वारा राज्य संग्रहालय की उद्घाटन कब किया गया था? 10 सितंबर 2009 में। कब किया गया था? 10 सितंबर 2009 में। किनके द्वारा किया गया था? भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद कौन? अंसारी। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि राज्य संग्रहालय की स्थापना की कब की गई थी, तो 1974 में इसकी स्थापना की गई थी, और 2009 के पहले ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से इसे जाना जाता था। आइए हर एक चीज को आपको अच्छे से बताते हैं। पहली चीज आप यहां पे देखेंगे, तो यहां पे दिया हुआ है 10 सितंबर 2009 को क्या हुआ था, इनॉग्रेट किया गया था। आप यहां पे देखिए, इनॉग्रेट किया गया था किनके द्वारा?
वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे उस समय? मोहम्मद हामिद अंसारी उस समय भारत के उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कि 2009 के पहले रांची म्यूजियम को किस नाम से जाना जाता था, तो आप देखेंगे ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता था। ये सभी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, स्टेट म्यूजियम के बारे में, और ये सभी चीजें आपको याद रखनी है। क्लियर है? पहला चीज क्लियर है। ठीक है, देवघर जिले में क्या निर्माण किया जाएगा? एक म्यूजियम और एक आर्ट गैलरी का निर्माण किया जाएगा। तो झारखंड के मैप में ये आप देख पा रहे हैं देवघर जिला। अगर आप झारखंड का मैप देखेंगे तो झारखंड के मैप आपको जो रेड कलर से शेडेड एरिया दिख रहा है वो है झारखंड का देवघर जिला। झारखंड के देवघर जिले की अगर बात करें तो झारखंड के देवघर जिले को झारखंड की रिलीजियस कैपिटल कहते हैं, यानी झारखंड की धार्मिक राजधानी कहते हैं। ठीक है, साथ ही साथ झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी किसे कहते हैं? तो देवघर जिले को झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी यानी कल्चरल कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। तो क्लियर, दो चीजें क्लियर है, झारखंड की कैपिटल रांची, झारखंड की सब कैपिटल दुमका, झारखंड की रिलीजियस कैपिटल देवघर, झारखंड की कल्चरल कैपिटल देवघर, यानी राजधानी रांची, उपराजधानी दुमका, धार्मिक राजधानी देवघर और सांस्कृतिक राजधानी देवघर। आइए देवघर के बारे में थोड़ी और बातें हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि देवघर में इसका निर्माण किया जाएगा। देवघर के अगर टोटल एरिया की बात करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे 2479 यानी 2479 किलोमीटर स्क्वायर का देवघर का टोटल एरिया है। यानी ये जो एरिया बात की जा रही है ये पूरे देवघर जिले का एरिया है। ठीक है, डिवीजन की अगर बात करें तो संथाल परगना डिवीजन के अंतर्गत ये आता है। और अगर हम लोग बात करें देवघर की तो एम्स कहाँ पे है? देवघर में। ठीक है, आप लोगों को याद रहेगा जिस प्रकार रांची में रिम्स है, रिम्स यानी राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, उसी प्रकार झारखंड के देवघर जिले में रिम एम्स का निर्माण किया गया है। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि झारखंड के किस जिले में एम्स का निर्माण किया गया है, तो एम्स का निर्माण देवघर जिले में किया गया है। आज के टाइम पे देवघर में एम्स है। ठीक है, वहीं अगर हम लोग बात करें देवघर में पॉपुलेशन डेंसिटी की, तो 1492 1492 देवघर का पॉपुलेशन डेंसिटी है। ठीक है, सॉरी, पॉपुलेशन डेंसिटी की बात कर रहे हैं, 600 है। ठीक है, 600 जो है पॉपुलेशन डेंसिटी है, ये इसका टोटल पॉपुलेशन है, 600 पॉपुलेशन डेंसिटी है। और अगर हम लोग सेक्स रेशियो की बात करें, 925 जो है वो देवघर का सेक्स रेशियो है। तो सभी चीजें आप यहाँ पे अच्छे से देख पा रहे हैं, क्लियर है। चलिए और बात करते हैं हम लोग, देवघर जिले में दो सब डिवीजन है। अभी हम लोगों ने डिवीजन के बारे में बात की, संथाल परगना डिवीजन के अंतर्गत देवघर जिला आता है। और सब डिवीजन की अगर बात करें, देवघर और मधुपुर देवघर के दो सब डिवीजन है। अच्छा, झारखंड में टोटल सब डिवीजन कितने हैं? झारखंड में टोटल 45 सब डिवीजन है। अगर पूरे झारखंड की बात करें, झारखंड में टोटल 45 सब डिवीजन है, 45 अनुमंडल है, और उन 45 में से देवघर में दो हैं, देवघर और मधुपुर। और अगर हम लोग ब्लॉक की बात करें तो देवघर में टोटल 10 ब्लॉक हैं, और ये आप देवघर के 10 ब्लॉक को देख सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है? चलिए, तो यहां पे लिखा हुआ है कि राज्य के देवघर जिले में म्यूजियम और आर्ट गैलरी का निर्माण किया जाएगा। आई होप कि पहला करंट अफेयर आप लोगों को समझ में आ गया है, और पहले करंट अफेयर को बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल में हम लोग डिस्कस किए हैं। तो कोई भी डाउट है तो एक बार नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें कि पहले करंट अफेयर को लेके आपका क्या डाउट है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों ने सभी चीजों को समझा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के इस क्लास का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो जितने भी लोग ऐसे हैं जो अभी तक टेलीग्राम चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। ठीक है, आप लोग हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी के साथ भी जुड़ सकते हैं, इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों में ही आप लोगों को सभी क्लासेस के नोटिफिकेशन, अपडेट्स, झारखंड की वैकेंसी के डिटेल्स, वैकेंसी के नोटिफिकेशन, सभी चीजें आसानी से मिल जाएगी। तो आप लोग जाके ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, एकदम कोई चार्जेस नहीं है, फ्री है। ठीक है, चलिए झारखंड के डीजीपी के बारे में अब हम लोग जानेंगे। आप सभी को पता होगा झारखंड के डीजीपी कौन है? अभी झारखंड के डीजीपी हैं अनुराग गुप्ता। ये जो आप देख पा रहे हैं व्यक्ति, ये हैं झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता। दिल्ली में
केंद्रीय गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। आप सभी को पता होगा गृह मंत्री कौन है, भारत के गृह मंत्री, भारत के गृह मंत्री है अमित शाह। तो अमित शाह जी के द्वारा झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता को अवार्ड देकर सम्मानित किया गया है, ठीक है। केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता को अवार्ड देकर सम्मानित किया गया है। और आप ये देख पा रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री जी के द्वारा झारखंड के डीजीपी को सम्मानित किया जा रहा है, ठीक है। आप लोग ये तस्वीर को भी देख सकते हैं, थोड़ी सी धुंधली है लेकिन यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे पूरा क्लियर आप लोगों को तस्वीर दिख रहा है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह जी हमारे झारखंड के डीजीपी को क्या कर रहे हैं, सम्मानित कर रहे हैं, ठीक है। तो पॉइंट ये निकल के सामने आता है कि सर अगर झारखंड के डीजीपी को सम्मानित किया जा रहा है, अवार्ड दिया जा रहा है, तो सर क्यों दिया जा रहा है, कुछ तो काम किया होगा। झारखंड में साइबर क्राइम को कम करने का काम जो है वो झारखंड के डीजीपी ने बहुत अच्छे तरीके से किया, और एक डाटा के अनुसार झारखंड में 50% साइबर क्राइम जो है वो कम हो गया है, ठीक है। तो साइबर क्राइम को कम करने के लिए, साइबर क्राइम के रोकथाम के लिए केंद्रीय गृह मंत्री जी के द्वारा झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता को सम्मानित किया गया, कहां पे? दिल्ली में। कहां पे? दिल्ली में, ठीक है। तो वही चीजें यहां पे भी आपको लिखी हुई मिल जाएगी कि झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए सम्मानित किया गया है। क्लियर है? क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए, हाल ही में यूएई, आप सभी को पता होगा यूएई में एक शहर है जिसका क्या नाम है, यूएई में एक शहर है जिसका नाम है अबू धाबी। क्या नाम है? अबू धाबी। और इस अबू धाबी में एशियन जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था, ठीक है, कि एक शहर है जिसका नाम है अबू धाबी और इस अबू धाबी में एशियन जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था, जिसमें झारखंड की अमीषा करकेट्टा, ये आप तस्वीर भी देख पा रहे हैं अमीषा करकेट्टा की, तो झारखंड की अमीषा करकेट्टा ने इस चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया था और अमीषा करकेट्टा ने सिल्वर मेडल यानी रजत पदक जो है वो प्राप्त किया है इस प्रतियोगिता में। कहां पे? यूएई के शहर अबू धाबी में इसका आयोजन किया गया था। तो आप लोग देख सकते हैं एशियन जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जिसका आयोजन अबू धाबी में किया गया था, उसमें झारखंड की अमीषा करकेट्टा ने कौन सा पदक प्राप्त किया है? सिल्वर मेडल यानी रजत पदक प्राप्त किया है। 54 kg के ग्रुप में अमीषा ने यह पदक प्राप्त किया है। कितने? 54 kg के ग्रुप में। याद रहेगा सभी को? याद रहेगा? अबू धाबी में आयोजित एशियन जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में झारखंड के किस खिलाड़ी ने सिल्वर मेडल प्राप्त किया है? अमीषा करकेट्टा ने। कौन से ग्रुप में? 54 kg के ग्रुप में, 54 kg के वर्ग में। क्लियर है? याद रहेगा सभी को? कोई दिक्कत है यहां पे? नहीं है? आगे बढ़ें? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आप लोगों ने अगर पिछला क्लास देखा होगा, जो हमारा करंट अफेयर्स का पिछला क्लास है, उसमें आप लोगों को बताया गया था कि भारत ने पैरा ओलंपिक में जो कि पेरिस में आयोजित किया गया था उसमें टोटल 29 मेडल प्राप्त किए, 29 मेडल्स जो है भारत ने प्राप्त किए हैं। 29 मेडल्स में से आप लोगों को कहा गया था कि 7 जो है वो गोल्ड मेडल थे, 9 जो है वो सिल्वर मेडल और 13 जो है वो ब्रॉन्ज। टोटल भारत ने 29 मेडल्स प्राप्त किए हैं। कितने? टोटल 29। ये हम लोग पिछले क्लास में बात कर चुके हैं, लेकिन इन 29 मेडल्स को जिन्होंने प्राप्त किया है भारत सरकार के द्वारा उन्हें सम्मानित किया जाएगा। कितनी राशि देकर? तो देखिए, ये सभी खिलाड़ियों को देख पा रहे हैं, भारत के सभी खिलाड़ी जिन्होंने पेरिस पैरालंपिक में पार्टिसिपेट किया था और भारत का नाम ऊंचा करके आए हैं और टोटल 29 मेडल्स भारत में लेकर आए हैं, ठीक है। तो इनके गले में आप मेडल्स को भी देख सकते हैं, 7 जो है वो गोल्ड मेडल है, 9 जो है वो सिल्वर मेडल है और 13 जो है वो ब्रॉन्ज मेडल है, ठीक है। तो आपको ये तो पता चल गया कि पेरिस पैरा ओलंपिक में भारत ने कुल कितने मेडल प्राप्त किए हैं? 29। भारत सरकार कह रही है कि जिन्होंने भी गोल्ड मेडल प्राप्त किया है उन्हें 75 लाख, जिन्होंने सिल्वर उन्हें 50 और जिन्होंने ब्रॉन्ज प्राप्त किया है उन्हें 30 लाख रुपए पुरस्कार जो है वो दिया जाएगा। तो पेरिस पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेताओं को कितनी राशि? 75 लाख की राशि।
रजत पदक विजेताओं को 50 लाख और कांस्य पदक विजेताओं को 30 लाख। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। गोल्ड मेडल की अगर बात करें तो टोटल 7 गोल्ड मेडल हैं। सिल्वर की बात करें टोटल 9 सिल्वर मेडल हैं और 13 जो है वो ब्रॉन्ज मेडल है। तो मेडल्स को भी आप लोग याद रखेंगे। क्लियर है? क्लियर है। अच्छा, आप लोगों को ये बता दूं कि झारखंड सरकार के द्वारा भी पुरस्कार की घोषणा की गई थी। पहले ही की गई थी, 2022 में की गई थी, आप लोग याद रखिए। झारखंड सरकार ने क्या कहा था कि अगर झारखंड का कोई खिलाड़ी ओलंपिक में, चाहे वो समर ओलंपिक हो या फिर विंटर ओलंपिक हो, झारखंड का कोई खिलाड़ी, झारखंड सरकार ने कहा था, हेमंत सोरेन ने ये स्टेटमेंट दिया था, ठीक है, तो उन्होंने कहा था कि झारखंड का कोई खिलाड़ी अगर ओलंपिक में गोल्ड मेडल प्राप्त करता है तो 5 करोड़, सिल्वर मेडल प्राप्त करता है तो 3 करोड़ और ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त करता है तो 2 करोड़ झारखंड सरकार देगी। देखिए, भारत सरकार उसको जो राशि देगी सो अलग है, ये राशि झारखंड सरकार देगी। तो झारखंड का अगर कोई खिलाड़ी ओलंपिक में स्वर्ण पदक प्राप्त करता है तो उसे कितनी राशि झारखंड सरकार देगी? 5 करोड़, सिल्वर में 3 करोड़ और ब्रॉन्ज में 2 करोड़। एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसीलिए आप लोगों को बताया जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पैरा ओलंपिक में कोई मेडल प्राप्त करता है तो गोल्ड मेडल प्राप्त करने पर 75, सिल्वर मेडल प्राप्त करने पर 15 और ब्रॉन्ज प्राप्त करने पर 10, यानी 25, 15 और 10 का ये रेशियो है झारखंड में, ठीक है। तो ये आप टोटल जो अवार्ड की लिस्ट है देख सकते हैं कि झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड के खिलाड़ियों को कितनी राशि दी जाएगी, कौन से चैंपियनशिप में मेडल प्राप्त करने पर। सबसे ज्यादा ओलंपिक में अगर कोई गोल्ड मेडल प्राप्त करता है तो झारखंड सरकार उसे पुरस्कार के रूप में 5 करोड़ देगी, ठीक है। तो ये सभी डिटेल्स हैं जो कि आपको दिए हुए हैं, जिससे आप अपने नोट्स बहुत ही इजीली बना पाएंगे। हालांकि इनके बारे में हम लोग पिछले क्लास में भी बात किए थे, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कैसा लगा आप लोगों को करंट अफेयर्स, एक बार कमेंट्स करके जरूर बताएं। अब आइए इनके क्वेश्चंस देखते हैं कि क्या आप लोगों को करंट अफेयर समझ में आया, क्या आप लोग करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर दे पा रहे हैं, क्या इन करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस अगर एग्जाम में पूछ लें तो उनका आंसर आप दे पाएंगे, बताते हैं। चलिए, राज्य के किस जिले में 8 गैलरी और म्यूजियम का निर्माण किया जाएगा, एक बार सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से इसको समझाया गया, बहुत ही अच्छे तरीके से इसके बारे में हम लोग डिस्कस किए कि झारखंड के कौन से जिले में 8 गैलरी और म्यूजियम का निर्माण किया जाएगा। तो सही आंसर क्या होगा? देवघर में। कहां पे? देवघर ऑप्शन ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा कि देवघर जिले में एक म्यूजियम और 8 गैलरी का निर्माण किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, रांची म्यूजियम की स्थापना कब किया गया था, बताएंगे। आप लोगों को बताया गया अभी, रांची म्यूजियम जिसे स्टेट म्यूजियम कहते हैं, राज्य संग्रहालय कहते हैं, तो आपको बताया गया कि 1974 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका उद्घाटन, इनॉग्रेशन 10 सितंबर 2009 में किया गया था। किनके द्वारा? तो कौन, किनके द्वारा? मोहम्मद हामिद अंसारी। कौन थे? 2009 में भारत के उपराष्ट्रपति थे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हमारा कि 1974 में स्टेट म्यूजियम या फिर रांची म्यूजियम की स्थापना की गई थी और भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी जी के द्वारा 10 सितंबर 2009 में इसका उद्घाटन किया गया था। 2009 के पहले इसे ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता था। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड के किस शहर को झारखंड की धार्मिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? बहुत ही आसान सा ये क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि झारखंड की धार्मिक राजधानी के रूप में किस शहर को जाना जाता है। तो बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? इसका सही आंसर हो जाएगा देवघर। क्या होगा? देवघर, ठीक है। चलिए, झारखंड के डीजीपी को किसके द्वारा साइबर क्राइम के रोकथाम के लिए सम्मानित किया गया है, तो बताएंगे। झारखंड के डीजीपी, अच्छा झारखंड के डीजीपी कौन है? अनुराग गुप्ता, पता होगा आप सभी को, अनुराग गुप्ता झारखंड के डीजीपी हैं और अमित शाह जी के द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया था। कहां पे? अमित शाह, ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है।
चलिए, हाल ही में अबू धाबी में आयोजित एशियन जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में अमीषा कर्कट्टा ने कौन सा पदक जीता है? अमीषा कर्कट्टा ने कौन सा सिल्वर मेडल, ऑप्शन बी रजत, और कौन से एज ग्रुप में? 54 kg के ग्रुप में, याद रहेगा सभी को, 54 kg के ग्रुप में अमीषा कर्कट्टा ने जो मेडल है वो प्राप्त किया, कौन सा मेडल? सिल्वर मेडल यानी रजत पदक। क्लियर, क्लियर है? आगे बात करते हैं, पेरिस पैरा ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक प्राप्त किए हैं? बहुत ही आसान सा ये क्वेश्चन है, और एक बात जल्दी से आप लोग इसका आंसर बता देंगे, बताएंगे इसका आंसर क्या होगा? 29 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जिसमें से 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज, टोटल 29। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बहुत ही आसानी से सभी क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे, अगर आप करंट अफेयर्स को एक बार समझ जाते हैं तो। बहुत ही इत्मीनान से आप लोगों को करंट अफेयर्स पहले समझना है, और उसके बाद आप बहुत ही आसानी से झारखंड के करंट अफेयर्स से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे। अब ये जो क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये क्वेश्चन आप लोगों से कल के क्लास में या फिर पिछले क्लास में पूछा गया था और कहा गया था कि आप लोग इसका सही आंसर कमेंट करके बताएं। क्वेश्चन था, हाल ही में झारखंड कैबिनेट के द्वारा झारखंड के अधिवक्ताओं यानी झारखंड के एडवोकेट्स को पेंशन देने की मंजूरी दिया गया है, झारखंड ऐसा करने वाला कौन सा राज्य है? झारखंड ऐसा करने वाला पहला राज्य है, पूरे भारत में पहला ऐसा राज्य है जो कि अधिवक्ताओं को, एडवोकेट्स को, वकीलों को पेंशन देगी। झारखंड सरकार के द्वारा ये क्राइटेरिया रखा गया है कि 65 वर्ष से अधिक जो भी अधिवक्ता है उन्हें 14,000 की पेंशन राशि जो है वो दी जाएगी हर महीने। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, और आप सभी लोगों ने इसका बिल्कुल सही आंसर कमेंट करके बताया था। आइए, आज के लिए ये रहा आपका क्वेश्चन कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी एग्रीकल्चर, जिसे NISA के नाम से जानते हैं, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी एग्रीकल्चर की स्थापना दिवस में कौन जो है वो एज ए चीफ गेस्ट शामिल होंगी, बताएंगे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी एग्रीकल्चर में जो इसका स्थापना दिवस है 20 सितंबर को, आप लोगों को पता होगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी एग्रीकल्चर की स्थापना 20 सितंबर 1924 में किया गया था। 20 सितंबर 2024 में इसको 100 साल पूरे हो रहे हैं, तो इसके 100 साल के पूरे होने के अवसर में कौन जो है वो चीफ गेस्ट के रूप में शामिल होंगी, क्या होगा इसका सही आंसर? ए बी सी डी, जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताएं कि इसका सही आंसर क्या होगा। देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर कमेंट कर पाते हैं। ठीक है, चलिए, तो एक बार सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि इसका सही आंसर क्या होगा, और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास का हिस्सा बनने के लिए। आई होप सो कि आज का ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक करना ना भूले, पूरे क्लास में आप लोगों को लाइक करने नहीं कहा गया था क्योंकि आप लोग डिस्टर्ब होंगे इसीलिए, लेकिन अब तो क्लास खत्म हो गई है तो एक बार जल्दी से क्लास को लाइक कर दे सभी लोग। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।